स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर टाइम आ चुका है, ठीक है। तो आप हमारा चैलेंज होता है अभी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं और मेरा बड़ा भाई हम मिलकर आज ईटिंग चैलेंज करेंगे और टाइमर भी लगाया जाएगा बाकायदा। तो हम चैलेंज करेंगे और ये फिर दोबारा से सॉस। तो गाइज अभी हम लोग चैलेंज के लिए रेडी हैं। काशी भाई आप रेडी हैं चैलेंज के लिए? ठीक है। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं कि बर्गर हमारे रेडी हो चुके हैं। तो ये दो बर्गर हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्ड हैं। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो गाइज़ अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं शावर लेके आया हूँ, ठीक है, नहा के फ्रेश हो चुका हूँ। तो गाइज़ आज संडे का दिन है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग जो है वो बहुत ही आप लोगों के लिए स्पेशल हो जाए। थंबनेल देख के तो आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा। तो गाइज़ आज हम करने लगे हैं ईटिंग चैलेंज, पहली मरतबा करने लगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर तो ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैलेंज आपकी मर्ज़ी का होगा। तो गाइज अभी आपको बताते हैं कि चैलेंज में क्या है। गाइज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो पंखा आप देख सकते हैं मैंने लगाया है। बस कल के ब्लॉग में बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आए थे, वो कह रहे थे कि भाई उस्मैन भाई चोर साहब ने ये कल का ब्लॉग जो अपलोड किया है ये फेक वीडियो आपने बनाई है। भाई ये फेक बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल रियल है, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा फेक, लेकिन फेक नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने ध्यान से पूरा व्लॉग नहीं देखा, आप लोग दोबारा से अगेन जाएं और जाकर ये व्लॉग पूरा देखें, फिर आप लोगों को प्रॉपर समझ लग जाएगी। शुरू से आप लोग जब व्लॉग पूरा नहीं ना देखते तो फिर ऐसे समझ नहीं लगती। व्लॉग को जब आप शुरू से लेके एंड तक देखते हैं फिर आप लोग को प्रॉपर समझ लगती है कि क्या हादसा हुआ था, क्या सीन हुआ था। तो आप लोग ज़रूर कल वाला व्लॉग जो है दोबारा अगेन से देखें। तो गाइस सुबह सुबह हमारे घर में कपड़े वॉश हो रहे थे, ठीक है। वॉशिंग मशीन जो है वो लगाई हुई थी, अभी आपको मैं बाहर से दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप। सुबह से हम लोग कपड़े धो रहे हैं, कपड़े वॉश कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं। तो अब आकर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो खैर आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर अभी तक आपने हुसैन हाशमी को ज्वाइन नहीं किया हुआ तो कर लें यार सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके लाइक कमेंट और शेयर लास्ट भी कर दें। तो गाइस अभी आप लोग देख रहे हैं कि नाश्ते में अभी आरू का जूस है, आरू का जूस जो है रेडी है। आज मैंने नाश्ता कर लिया था, ठीक है। तो आज मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आज हमारा ईटिंग चैलेंज होगा, ठीक है। तो ईटिंग चैलेंज में हम बना रहे हैं चिकन बर्गर और साथ में हम बोतल वगैरह भी रखेंगे, ठीक है। तो मैं और मेरा बड़ा भाई हम मिलकर आज ईटिंग चैलेंज करेंगे और टाइमर भी लगाया जाएगा बाकायदा। तो हम चैलेंज करेंगे, जो चैलेंज कम्प्लीट कर गया विनर होगा उसको कैश भी दिया जाएगा मम्मा की तरफ से, ठीक है। तो गाइस अभी हमने बनाना है चिकन बर्गर। तो चिकन बर्गर के लिए हमें सबसे पहले चिकन जो है ना उसको ग्रैंड करना है, ठीक है। तो आपको साथ साथ दिखाऊंगा, घर में ही हम बर्गर बनाएंगे और आपको साथ साथ दिखाएंगे अभी कि किस तरह का बना है। अभी आप देख रहे हैं ये देखिए प्याज और ये टमाटर ये मैंने गोल गोल से करके काट दिए हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बर्गर भी बनाना दिखाऊंगा कि किस तरह का मैं बर्गर बनाऊंगा और सादा सा सिंपल सा होगा। और साथ में ये बोनलेस चिकन भी है वो भी आपको दिखाता हूँ। और बोनलेस चिकन को सबसे पहले करना है हमने ग्राइंड, बोनलेस चिकन है और साथ में कुछ सब्ज़ मिर्चें भी ली हैं। तो अभी इसको ग्राइंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी इसको ढक देंगे। तो गाइस आप चेक करना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। घर में ही हम चिकन बर्गर तैयार करेंगे और फिर चैलेंज करेंगे और आप लोग देखना कि विनर कौन होता है, ठीक है। तो अभी 4-5 बर्गर बनाने हैं हमको, लेकिन फाइनली हमें तो सिर्फ 2 ही चाहिए क्योंकि मैंने और मेरे बड़े भाई ने हमने चैलेंज करना है दोनों ने। तो एक एक बर्गर होगा तो बहुत ही हार्ड बर्गर होगा, आप लोग देखना। तो साथ साथ आपको सीखने को भी मिलेगा और आप लोग ट्राई भी करना। तो अभी जो है इसको करते हैं ग्राइंड। तो गाइस अभी अच्छे से इसको ग्राइंड कर रहे हैं, ग्राइंड करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं कि क्या करना है। तो गाइस चिकन को ग्राइंड कर लिया था अच्छे से, ठीक है, मसाले वगैरह भी ऐड कर दिए थे। तो गाइस अभी आप देख रहे हैं चिकन पैटी जो है वो हमारे तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो गाइज अभी लाइट चले गई है, ठीक है। तो बर्गर हम बनाने लगे हैं, अभी आपको दिखाते हैं। तो गाइस सबसे पहले सॉस लगाई जा रही है, अभी आप देख रहे हैं। चलो सलाद के पत्ते के बाद टमाटर और प्याज और ये आ गई पैटी और ये फिर दोबारा से सॉस, ये दोबारा से फिर प्याज और ये टमाटर।
तो गाइज अभी हम लोग चैलेंज के लिए रेडी हैं। काशी भाई आप रेडी हैं चैलेंज के लिए? ठीक है, तो गाइज अभी आप देख सकते हैं कि बर्गर हमारे रेडी हो चुके हैं। तो ये दो बर्गर हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्ड हैं, तो साथ में ये कोल्ड ड्रिंक है। तो अभी जो है भाई काशिफ भी आ गए हैं छत पे। अभी गाइस हम लोग करने लगे हैं चैलेंज अपने बर्गर और बोतल का। तो काशिफ भाई क्या टाइम रखें फिर? दो मिनट का टाइम रखना है। तो गाइस चलें चैलेंज करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस अभी हम लोग करने लगे हैं चैलेंज, ये बर्गर और साथ में कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। और दो मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। दो मिनट में अगर हमने या काशिफ भाई ने और या मैंने हमने अगर बर्गर और बोतल फिनिश कर ली तो उसको दिया जाएगा गाइस, आप देख सकते हैं, नकद 1000 रुपया। ठीक है काशी भाई, आप चैलेंज के लिए रेडी हैं? आप भी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दें अभी। तो जो पहले जीतेगा, विन करेगा, तो उसे 1000 दिया जाएगा। वो आपको दिखा भी दिया स्नैन ने। तो गाइस ये देख सकते हैं, तो अब आपने ये देखना है कि जीत किसकी होती है दो मिनट के अंदर, ठीक है। तो अभी ये पैसे मैंने रख दिए यहाँ पे, ठीक है, 1000 रुपया। तो आप रेडी हैं चैलेंज के लिए? तो देखते हैं, सबसे पहले दो मिनट का टाइम है, देखते हैं दो मिनट में कौन फिनिश करता है ये बर्गर और कोल्ड ड्रिंक साथ, ठीक है। और हमारे साथ ये कैचअप भी है, ठीक है। काशिफ भाई तो कैचअप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं शुरू स्टार्ट। ओके रेडी हैं आप? स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर टाइम आ चुका है, ठीक है। तो आप हमारा चैलेंज होता है अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस मैं जीत गया हूँ, अभी पी रहे हैं काशिफ भाई। जी तो गाइस, जी तो काशिफ भाई, चैलेंज कौन जीता है? तुम ही है। तो गाइस अभी आपने देखा होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर टाइम भी, दो मिनट का टाइम था, ठीक है। तो चैलेंज आपके भाई ने फिनिश कर लिया, बर्गर भी मैंने फिनिश कर लिया है और कोल्ड ड्रिंक भी फिनिश किया है। और आप लोग देखना ज़रूर, वीडियो को अगेन देखें आप, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि कौन जीता है सबसे पहले। तो काशिफ भाई इनाम मेरा मुझे दीजिए, ये देख सकते हैं आप गाइस, 1000 रुपये का इनाम मेरे पास आ चुका है, ठीक है। और मैं चैलेंज जीत गया हूँ, विनर हो गया हूँ, ठीक है। तो जी काशी भाई आप कुछ? मैं स्नैन को इसकी जीत पर कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ, ठीक है। और माशाल्लाह आज का जो व्लॉग था ये भी आपको माशाल्लाह आपके लिए बहुत ही आपके लिए ये मज़ा पैदा करेगा। और स्नैन को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, इसने मुझसे पहले विन किया। और मैं ये गेम आज पहली दफ़ा इसके साथ मैंने की, तो मज़ा भी आया, आगे भी इंशाल्लाह मुझे मज़ा आएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा कि आपको हमारा ये चैलेंज कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है ना, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जो है वो लाजमी कर दें। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग बहुत ही हमारा पसंद आया होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने 1000 रुपया जीत लिया है, विनर हो चुका हूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह, लाइक करें, शेयर करते रहा करें और दोस्तों से भी शेयर करें और मज़ीद हमें सपोर्ट करें। ज़ाहिर है आपकी दुआओं से इंशाल्लाह, आपकी सपोर्ट से इंशाल्लाह ताला हम नए नए व्लॉग आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। गाइस बर्गर जो था ना बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब था, आप बताएंगे बर्गर कैसा था काशिफ? बर्गर का कोई जवाब नहीं, हसनैन ने इतनी मेहनत से माशाल्लाह बनाया और मैंने मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने टेस्ट किया
गाइस बर्गर इतना अच्छा बनाया था ना कि मेरे पास अल्फाज नहीं थे, काश मैं आपको खिला पाता। तो आज पहली दफ़ा इस चिकन बर्गर का मुझे मज़ा आया, बहुत आया। मैं इंशाल्लाह फिर स्नैप से फरमाइश करके फिर बनवाऊंगा, तो इस पर फिर इंशाल्लाह ब्लॉग दोबारा बने। तो गाइस अगर आपको चैलेंज अच्छा लगा है ना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, नेक्स्ट चैलेंज आप लोग बताइए। थैंक यू। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह आज का चैलेंज हमने कम्प्लीट कर लिया है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अभी खैर यहाँ पर ही मैं ब्लॉग का कर रहा हूँ एंड, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके।